हरी सब्जियों के बाद अब प्याज की कीमतें सातवें आसमान पर जाने लगी हैं। खासकर त्योहारों के सीजन में प्याज की कीमतों को लेकर हाहाकार मचने लगता है। फिलहाल प्याज की कीमत बाजार में 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक हो गई है। प्याज की नई फसल आने में अभी काफ़ी समय लग सकता है, उससे पहले प्याज के दाम कम होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। हरी सब्जियों के बाद अब प्याज की कीमत सातवें आसमान पर जाने लगी है। हर साल इसी समय प्याज की कीमतों में तेजी आने लगती है। खासकर त्योहारों के सीजन में प्याज की कीमतों को लेकर हाहाकार मचने लगता है। फिलहाल प्याज की कीमत बाजार में 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक हो गई है। कुछ दिनों पहले तक प्याज 35 से 40 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा था। अब अचानक प्याज की कीमतों में उछाल आया है और लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं आने वाले दिनों में प्याज उनकी आंखों से आंसू न निकाल दे। प्याज के कारोबारी अभी प्याज की कीमतों में और उछाल आने की संभावना जता रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि अगर प्याज उत्पादन करने वाले राज्यों में मांग के मुताबिक प्याज की आपूर्ति नहीं होती है तो कीमतें अनियंत्रित हो सकती हैं। ये सब कुछ मांग और आपूर्ति पर निर्भर है। जानकारी के अनुसार प्याज की कीमत बढ़ने का सीधा असर अब आम आदमी की जेब पर देखा जा रहा है। रविवार को रानीगंज के हटिया में जाकर देखा गया कि प्याज की कीमत सुनकर ही लोगों के होश उड़ जा रहे हैं। बाजार का जायजा लेने पर पता चला कि कल तक जो लोग 1 या 2 किलो प्याज खरीदते थे, अब कीमतें बढ़ने की वजह से आधा किलो प्याज खरीद कर ही काम चलाना पड़ रहा है। दाम बढ़ने की वजह से प्याज की बिक्री पर भी असर पड़ा है। हर साल प्याज की कीमतें बढ़ने से रोकने के उपाय किए जाते हैं। प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया जाता है, प्याज के स्टॉक पर रोक लगा दी जाती है। सरकारी एजेंसियां सस्ते दामों पर प्याज की बिक्री शुरू कर देती हैं, लेकिन इसके बावजूद प्याज आम जनता को रुलाता रहता है। कुछ इस बार भी ऐसा ही होता दिख रहा है। प्याज का मसला ऐसा है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक चिंताग्रस्त होती जा रही है। अक्सर प्याज की कीमतें राजनीतिक मुद्दा बन जाती हैं, लिहाजा सरकार तक कोशिश में रहती है कि उनकी कीमतों को काबू में रखा जाए। इस बार मोटे तौर पर प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण अगस्त व सितंबर महीने में प्याज उत्पादन होने वाले राज्यों में हुई भारी बारिश और फसल खराब हो जाना है। यहाँ की मंडियों में मुख्य रूप से महाराष्ट्र के नासिक से प्याज आता है, लेकिन अभी नासिक से प्याज की आपूर्ति कम हो रही है। प्याज की कीमतें बढ़ने की एक वजह जमाखोरी भी बताई जा रही है। प्याज की नई फसल आने में अभी काफी समय लग सकता है, उससे पहले प्याज के दाम कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। स्टाइल होम फर्नीचर, फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहां मिलेगा लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर्स, जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511।